हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका सोशल स्टडी का पेपर था और ये पेपर है, देख लीजिए आप, 03214 ये पेपर कोड है और सेट नंबर आपका 4 है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसके आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आंसर की पे ध्यान देते हैं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर वन का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री ए। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर भी कितना है? ए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है बी। ये क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर ए। देन सेकंड पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेवन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी का सिक्स। क्वेश्चन नंबर एट का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन का सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे। क्वेश्चन नंबर टेन का भी सी आंसर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर इलेवन का ए आंसर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करें, क्वेश्चन थर्टीन में ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन। फिफ्टीन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का डी। सिक्सटीन का डी ऑप्शन करेक्ट है। सेवनटीन का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेवनटीन का बी। एटीन क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है। एटीन का सी आंसर करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का ऑप्शन डी करेक्ट है। डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद 23, 23 का आपका जो आंसर है वो डी करेक्ट है। 24 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ये 24 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे 25 में। 25 का क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर 26 की बात करें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। देन 27, 27 की अगर हम बात करें तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 27 का ए। देन 28, 28 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 28 का डी। देन आगे चलते हैं 29 में। 29 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये 29 हो गया। 30, 30 का आपका कौन सा? 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये 30 का बी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 31। 31 में अगर देखें तो 31 का ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 31 के बाद ये है 32। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 33, 33 का ए करेक्ट है। 34 अगर देखें तो ए करेक्ट आंसर है। 34 का ए, 34 का ए करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम 35 की बात करें। 35 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 का ए करेक्ट है। इसके बाद 36, 36 की अगर बात करें हम, 36 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 37, 37 में डी करेक्ट है। 37 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 38, 38 में आपका ए करेक्ट है। 38 ए। 39 भी ए करेक्ट है। 39 ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं 40, 40 में आपको मालूम है कि गलत क्वेश्चन आया था, तो ए और सी दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद 41, 41 का ए, सॉरी 41 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 42 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं 43 में। 43 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 44 में अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 44 में सी, 44 में सी। इसके बाद हम 45 की बात करें, 45 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 45 में सी। 46, 46 में आपका ए करेक्ट है। 46 में ए करेक्ट है। फिर 47, 47 जो है क्वेश्चन उसका ए करेक्ट है। 47 का। इसके बाद 48 का भी ए करेक्ट है। 49 का सी करेक्ट है। 49 का सी करेक्ट है। 50 का डी करेक्ट है। 50 का डी करेक्ट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 51 में, तो 51 का बी करेक्ट हुआ। 51 का बी करेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद 52 में हमारा ए करेक्ट है, तो 52 का ए करेक्ट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 53 में, 53 का ए करेक्ट है, 53 का ए, 54 का सी, 54 का सी, 55 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद 56 की बात करें, 56 का सी करेक्ट है, 56 का सी करेक्ट हुआ। 57 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 58 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब डी सेक्शन में चलते हैं। डी सेक्शन में मैप वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो 59th क्वेश्चन है, 59th क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है, और 60 जो क्वेश्चन है, 60 का आपका ए करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये सारी मेरे आंसर की आपको बता दी, ये ऑफिशियल आंसर की है जो बोर्ड से आई है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आप अपना पेपर पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। आगे भी सारे पेपर के आंसर की, चाहे वो ट्वेल्थ की बात हो या टेंथ की हो, सारे मैं आंसर की आपको देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।